अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम फोर्थ इंग्लिश का जो लेसन हम पढ़ रहे हैं, टॉम एंड हिज न्यू मेडिसिन, तो आज हम इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे। हमने इसका वो पहला हिस्सा पढ़ लिया है जो आपने आपने ठीक तरह से समझा होगा, तो आज हम इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द मैटर, टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। तो जब टॉम ने उस कैट को यानी बिल्ली को वो पेन किलर दिया, वो दवाई दिया, तो वो बिल्ली नाचने लगी, तो टॉम हंसने लगा। तो अचानक वो आती है आंट पोली और कहा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है यहाँ पर, क्या मामला है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम हंसने की वजह से नहीं बोल पाया। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, तो लास्ट पर उसने इशारे से कहा, लुक लुक एट द कैट, देखो इस कैट पर, कैट की तरफ देखो, इस बिल्ली की तरफ देखो। व्हाट इज़ द मैटर विथ इट, इसको क्या हो गया। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसन, आपने इसको शायद वो पेन किलर जो दवाई थी आपके पास, वो आपने इसको दिया होगा। आई डो नॉट नो, मुझे पता नहीं, सेड टॉम, टॉम ने कहा, स्टिल लाफिंग, और टॉम अभी हंस रहा है। आंट पोली सा द बोतल ऑफ पेन किलर, तो आंट पोली इस पेन किलर जो वो वहाँ वो दवाई की बोतल थी उसको देखती है। द स्पून, चमचा वहाँ है, एंड ए सॉसर, और वहाँ वो प्लेट है वहाँ पर। शी गेस्ड द ट्रुथ, उसने ये समझ लिया है कि सच यही है कि इसने इसको वो पेन किलर की दवाई दी होगी, किसको, इस कैट को, बिल्ली को। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम अब सोचने लगा कि अब आंट पोली को शरारत चढ़े, उसको वो मुझ पर शरारत करेगी। टू हिज सरप्राइज शी वाज ओनली थॉटफुल, लेकिन उसको ये हैरानगी हुई कि आंट पोली सिर्फ इस पर सोचने लगी। इट इज़ नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स, शी सेड, और आंट पोली ने ये कहा कि ये जो मेडिसिन था ये बिल्लियों के लिए नहीं है, ये बिल्ली के लिए नहीं है, ये कैट्स के लिए नहीं है। शी सेड, किसने बोला, आंट पोली ने, परहैप्स इट इज़ नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, तो शायद अब वो इस पर भी सोचने लगी कि शायद ये लड़कों के लिए भी अच्छी दवाई नहीं है, यानी इनके लिए भी ये ठीक नहीं है, इनके लिए नहीं ठीक। यू नीड नॉट टू नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, तो आप ये टॉम को बताती है आंट पोली के, आपको भी ये नहीं आप लेना चाहिए, इसको मत पीना आप भी। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर द टॉम, तो ये जो न्यूज़ थी ये टॉम के लिए अच्छी थी, क्योंकि टॉम पहले से ही नहीं, उसका नहीं मन करता था कि इसको पिया जाए, या वो नहीं लायक करता था इसको पीना। एंड ही बिगैन टू फील बेटर, अब उसको उसकी तबीयत ठीक होने लगी, यानी वो आप अपने आप को ठीक महसूस करने लगा टॉम, क्योंकि जब उसको ये बात भी बहुत मुझे लगती थी कि ये दवाई पीना वगैरह, तो जब उसको आंट पोली ने ये मशवरा दिया कि आप भी मत पीना, तो वो थोड़ा सा राहत का सांस लेने लगा कि अब मुझे भी नहीं पीना, वो इसी खुशी से वो उसकी तबीयत ठीक होने लगी। तो ये तो हमारा इस लेसन का बाकी हिस्सा, तो हमने अब इसको ख़त्म भी किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन
समझ आया होगा। शुक्रिया।